सो रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये चार डेफिनेशंस हमको समझनी है. नाम पहले जमाने में किसी वजह से रखे गए थे, अब दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है. सो हियर वी गो, रियल ऑब्जेक्ट. रियल ऑब्जेक्ट सुनते ही क्या याद आना चाहिए आपको, है? रियल नहीं है, रियल का मतलब ये रियल नहीं है. ये भी बुल का छोटा भाई, तेरे छोटा भाई क्या? ओके, रियल ऑब्जेक्ट. व्हेन इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग इन नेचर, ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी रियल. वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिख लीजिएगा इससे उल्टी. क्या होगी इससे उल्टी, लिख लीजिए. वर्चुअल ऑब्जेक्ट व्हेन इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग. पढ़ू मैं आगे? रियल इमेज, व्हेन रिफ्लेक्टेड स्लैश रिफ्रैक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग. व्हेन रिफ्लेक्टेड स्लैश रिफ्रैक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग. वर्चुअल इमेज लिख लो, है ना. रियल वर्ल्ड को सीरियसली लेंगे आप तो आप फेयर एंड लवली को भी सीरियसली ले रहे हैं, याद रखिए. कोई लेना देना नहीं है इसका रियल ऑब्जेक्ट का रियलिटी से. पहले जमाने में होता था पर अब हम उस तरह से नहीं देखते चीजों को. राइट, आपके सामने चार पॉइंट है ए बी सी डी, प्लीज कमेंट ऑन देम. राइट, एक्चुअली कमेंट जो होंगे वो 1 2 3 4 6 होंगे, है 4 लेकिन कमेंट 6 बार हो सकता है क्योंकि बी एक बार इमेज भी और एक बार ऑब्जेक्ट भी है. राइट, तो यहां पे ए किस तरह का ऑब्जेक्ट है, बी किस तरह की इमेज है, समझ में आ गया? और बार बार डेफिनेशन पढ़िएगा, अपने दिल की फीलिंग पे मत जाइएगा. वर्चुअल सुन के जो दिल से फील आती है आपको वर्चुअलिटी की, वो मत लगा दीजिएगा, है ना.